तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बोगनवेलिया पे। अगर आपके भी बोगनवेलिया फूल कम आ रहे हैं या फिर आ नहीं रहे, तो ऐसा हम क्या डालते हैं नर्सरी पर जिससे आप देख सकते हो कितने बेहतरीन फ्लावर्स खिले हुए हैं। स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे आप भी ये इस तरह के फ्लावर्स पा सकते हो। तो पहला स्टेप है दोस्तों, फुल सनलाइट। आप ये प्लांट फुल सनलाइट का है, कम से कम 4 से 6 घंटे सनलाइट चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो फूल कम खिलेंगे। दूसरा है स्टेप है दोस्तों, प्रूनिंग। इसी कटाई छटाई हर 6 महीने में या 1 साल के अंतर जरूर कीजिए, जिसमें ज़्यादा ब्रांच आएंगी और ज़्यादा ब्रांच आएंगी तो ज़्यादा फूल खिलेंगे। अब आते दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, खाद देना। खाद के लिए सबसे फूल और फल पौधे के लिए चाहिए होता है फास्फोरस। उसके लिए आप DAP का यूज कीजिए। उसमें कम से कम ऊपर से डाल सकते हो जो गमले में मिट्टी होती है, या पानी से 1 लीटर पानी में 50 ग्राम DAP का यूज कीजिए, उसके छिड़काव कीजिए। हम लोग नर्सरी पर सबसे ज़्यादा DAP और सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं। सरसों खली में इतना नहीं होता जितना DAP में होता है।